हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में, जो TG2 का और बाकी सब पोस्ट होती हैं उनके रिजल्ट के बारे में। और दूसरी चीज़ बात करेंगे जो अभी होने वाला एग्ज़ाम, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि उसमें कैसे होता है। तो उस कंडीशन में दोनों चीज़ों को हम एक मिला के और मैंने एक कॉम्बाइंड वीडियो बनाया है, तो आई होप क्या वो वीडियो पसंद आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो। प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अब की बार जो रिज़ल्ट है उसके बारे में बहुत सारी क्वेरी आई थी। देखिए, जो टेक्नीशियन का रिज़ल्ट है वो 14-15 जुलाई के आसपास है। जो फाइनल रिज़ल्ट है वो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के बाद ही आएगा, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपका हो सके तो आपका नेक्स्ट मंथ में चला जाए रिज़ल्ट, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपका इलेक्ट्रिशियन के एग्ज़ाम के बाद आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आपको जुलाई में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए बाकी पोस्टों का, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि फाइनल जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट हो जाता है एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आता है या नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और तब पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो कि टाइपिंग के लिए आपको पता ही हो गया, कृति देव 14-16 ली जाती है इसमें टंकन के लिए, तो आपको ये चीज़ पता ही होगा। उसके अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया गया है जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने उठाया है। वहाँ पे बोला गया है कि सहायक अभियंता, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद, ठीक है? तो इसमें एक चीज़ क्लियर बताया गया है कि यहाँ पे जो भी होगा कि आपको पहले अगर CBT है तो CBT से आपको जो आपका इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू से DV के लिए आपके 1.5 गुना बच्चे जाएंगे, 1.5 गुना बच्चे जाएंगे और फाइनल सेलेक्शन आपका 1 टाइम होगा। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी नोटिफिकेशन है उसमें ये चीज़ क्लियरली बोली गई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब समीक्षा अधिकारी में भी यही बताया गया है, 3 गुना बच्चे जाएंगे यहाँ पे क्लियरली दिखा गया है, और उसके बाद जो DV होगा उसमें 1.5 टाइम्स होगा, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें आपका जितने सीट है उतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बोला जाता है फार्मासिस्ट, स्टाफ, नर्स ये भी है, इनमें यहाँ पे बताया गया है, तो उस कंडीशन में भी बताया गया है उनका सीधा DV होगा, तो उस कंडीशन में 1.5 गुना ही सिर्फ लिया जाएगा। जो इस बार भी है तो उसी मेथड पे काम होगा, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड का जो है जो एग्ज़ाम होगा उसमें CVT एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका जो DV है तो उसमें 1.5 गुना बच्चों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 1.5 गुना बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बाद बनेगी। मतलब जो भी है उनको बच्चे होते हैं जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं उनका आ जाता है कि भैया आपको ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होते हैं उनको उठाया जाता है, उनको रखा जाता है, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम हो नहीं सकता है तो उस कंडीशन में उनको रखा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात है, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में कंसीडर मैं करूं CBT के लिए तो 150 और 150 क्वेश्चंस। अब आप क्या करना चाहिए कि जब भी आप अटेम्प्ट्स मारते हैं लेते हैं तो एक मैं जनरल बता रहा हूँ सारे पोस्टों के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है आपके फाइनल सेलेक्शन का वो बढ़ जाता है। तो आपके मान लीजिए कहाँ रिस्क लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए ये भी पता होना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं है ब्लाइंड शो खेलना चाहिए, मतलब आप आँख बंद किया और मार दिया। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपके डाउट होते हैं, मान लीजिए 15 क्वेश्चंस हैं, आपको 15 क्वेश्चन में डाउट हैं और वो भी आपके 3 ऑप्शन में, और कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए 10 हैं जिसमें कि आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है कि दोनों में से एक होना ही होना है, तो उस कंडीशन में आपको ये 15 वाला है ये छोड़ देना चाहिए, ध्यान रखिएगा छोड़ देना चाहिए। 10 वाला है इसमें आपको अगर अटैम्प्ट नहीं किया तो समझ लीजिए आप मूर्ख हैं लिटरली, कि 2 ऑप्शंस में भी आपने अटैम्प्ट नहीं किया। इतना रिस्क उठाना बनता है माय डियर, इतना रिस्क उठाना बनता है आपके लिए, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी आप जान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाए वहाँ पे आपको 90 से आपको 100। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है माइंड गेम होता है कि आपने वहाँ पे अटैम्प्ट ले लिए, अगर मानते हैं वहाँ पे आपने 10 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट लिए हैं जिसमें 2 ऑप्शंस में डाउट है, उसमें आपको गारंटीड है 5 क्वेश्चंस आपके सही होंगे ही होंगे,
ये मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि 5 क्वेश्चन सही होंगे होंगे। अब मानते हैं कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, गलती पे 1/4 मार्क्स कट जाता है, तो आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 1/4 यानी 2.5 मार्क्स आपके कट गए। एग्जाम्पल लेता हूँ, 2.5 मार्क्स आपके कट गए, जो नंबर आते हैं उनके 5 आते हैं, सॉरी 2.5 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ आपको, जो भी आपका 1/4 मार्क्स है तो 1 point कुछ मार्क्स कट जाएंगे, 1.25। उस कंडीशन में आपको क्या हुआ, 3.75 का आपको फ़ायदा हुआ। अगर आप वो छोड़ के चले जाते तो वो फ़ायदा कभी नहीं होता। अगर आपको, मैं मानता हूँ कि उस कंडीशन में आपके मतलब अगर 5 क्वेश्चन से आपका किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब समझ लीजिए बिल्कुल ही बॉटम द अर्थ है, तो उस कंडीशन में आपके 3 क्वेश्चन सही होंगे, 7 क्वेश्चन गलत हो गए, उस कंडीशन में भी आप पॉजिटिव में आएंगे, याद रखिएगा पॉजिटिव में आएंगे, छोड़ने से अच्छा है वो पॉजिटिव लेना। तो ये आपका रिस्क होता है और इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पे अगर 100 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, उस कंडीशन में आपको 50-60% में भी आप श्योर होते हैं कि हाँ भैया यही होने वाला है। ये किसी भी एग्ज़ाम में, किसी के भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक बात करता हूँ कि 2-1% होते हैं जो कि पूरा ब्रिलियंट ही होते हैं, उनको तो मैं मतलब मैं लेता ही नहीं हूँ अपने जो भी कैलकुलेशंस करता हूँ मैं उसमें। लेकिन जो बच्चे जो एवरेज होते हैं, जो कि आपको 70-80% बच्चे होते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, तो इतने आपको जाते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ सिविल सर्विस का। सिविल सर्विस में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके GS के, उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो 40-50 क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं जो कि आपको आते हैं वहाँ पे। फिर कैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको थोड़े माइंड से खेलना पड़ता है और आपको ये चीज़ मिलाना पड़ता है कि मानता हूँ मैं 2 में अगर डाउट है आपके, तो उस कंडीशन में मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, 100% रिस्क लेना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए रिस्क कब लेना कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊँगा ईजिली, तो उस कंडीशन में आपको रिस्क से बचना चाहिए। आपको 2 वाला भी रिस्क मुश्किल से उठाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं उठा ही लेना चाहिए, तो आपको मतलब आपको लगे कि एक ऑप्शन से आपको डैम श्योर है कि यही होना चाहिए, बस उसमें 10% का डाउट है, तो उस कंडीशन में रिस्क लेना चाहिए। अन्यथा अगर आपने वहाँ पे कट ऑफ को क्लियर करने लायक मार्क्स किए हैं, तो उस कंडीशन में रिस्क पे नहीं जाना चाहिए। रिस्क फैक्टर तभी इन्वॉल्व होता है, या तो आप बॉर्डर लाइन पे हों या तो थोड़ा आप नीचे हों, तो उस कंडीशन में आपको रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या बताना चाहता हूँ। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने की, और आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए। एक चीज़ जो कि मैं अक्सर देखता हूँ बाकी सब स्टूडेंट्स में, जो बाकी सब एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, कि उसमें आपको ये 100% काम करता है, मैं आपको डैम श्योर बता दूँ कि, और सॉरी 100% बोल रहा हूँ, 90% इतना तो मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मान लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन, मैं 1, 2, 3 क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ए ऑप्शन है सही है, आपने लगाया है उसको पता है ये सही है, सेकंड वाले में आपका बी ऑप्शन है, तो थर्ड वाला जो होता है वो आपका सी या डी में से एक होगा। ये मोस्टली देखा गया है कि ऐसा ही होता है। और अगर नहीं हुआ है तो इसमें या तो सी और डी होगा, या तो ए और बी में से एक होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। या तो जो आ चुका है ऊपर में दोनों उसमें से एक होगा, और नहीं तो आपका सी और डी में से एक होगा, ये हमेशा देखा गया है, और आप ये समझ लीजिएगा ऐसा ही होता है। तो आपको जो भी लगे, जैसे मान लीजिए मुझे डाउट है कि ए और बी में से कोई ऑप्शंस में मुझे एक हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं अटेम्प्ट का। अभी मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये तुक्का मारने की चीज़ें होती हैं, ब्लाइंड गेम खेलने की, तो उस तरह से मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छा, तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट करके आइए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और भी अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।